विकास जी, यशवंत जी, भाई किशन जी, कुसुम जी, वर्तिका जी और आप सब, मेरी ओर से मैं किसी के ना आने की वजह बना हूँ और पहले से कोई तैयारी मुझे थी नहीं कि इस मंच से मुझे कुछ बोलना है, फिर भी मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए और मुझे इस योग्य समझने के लिए मैं भाई किशन जी और सब लोग परिवार का आभारी हूँ। पर पिछले साल दो साल से जब तक जिक्र होता रहा किशन जी से और उन्होंने जज्बा दिखाया, तो अपनी ओर से मैंने कोशिश की कि उस जज्बे को हवा दूं और भरसक एक नैतिक साहस देने की कोशिश मैंने की। हालांकि ये बहुत विचित्र स्थिति है, लेकिन सच यही है कि भारत ही नहीं और केवल हिंदी भाषा में ही नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, दुनिया की किसी भी भाषा में, दुनिया के किसी भी सूबे में कोई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी काम होता है तो उस काम के पीछे एक पागल दिमाग होता है, एक जुनून होता है और उसको कार्य रूप में परिणत किया आपके सामने, तो हम सब उनके प्रति कृतज्ञ होंगे, भविष्य में भी होंगे, इस समय भी हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। बाकी चीज़ों पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, दो चार बातें इस विचार शून्य माहौल पर करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी भाषा में जहाँ लगभग 350-400 साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती हैं, वहाँ आधी से अधिक पत्रिकाएं तो ऐसी हैं जिसमें संपादकीय तक नहीं होते कि संपादक की दृष्टि क्या है, वो पत्रिका आखिर क्यों निकालता है, किन किन लोगों के लिए निकालता है, और पत्रिका में अगर रचनाएं उसने शामिल की हैं तो उसका आधार क्या है। आधी मैंने लगभग 200 पत्रिकाओं की यह स्थिति है। बाकी जो बची हैं उनमें लगभग 100 पत्रिकाओं का अपना एजेंडा है, अपना गिरोह है कि किन को छापना है, उसमें कैसी गजलें छपेंगी, कैसी कविताएं, कैसी कहानियां, कैसे लघु उपन्यास या उपन्यास अंश, और बाकी जो बची हैं उनमें सिर्फ 8-10 पत्रिकाएं सिर्फ ऐसी हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें विचार की थोड़ी बहुत जगह है और जिसके पीछे कोई दृष्टि काम करती है, जिसमें इनकी एक पत्रिका संवेद भी शामिल है। एक और महत्वपूर्ण पत्रिका पहलबंद ही हो चुकी है, आप सबको पता होगा इसका। तो रविवार ने, धर्मयुग ने, साप्ताहिक हिंदुस्तान ने, सांचा ने जो स्थिति पैदा की थी विचार जगत की हिंदी समाज में, वो स्थिति अचानक समाप्त हो गई और बहुत लंबा समय हो गया जब उन विचारशील पत्रिकाओं ने काम करना बंद कर दिया या वो बंद हो गई। तो इस बड़ी खाई को पाटने का काम बहुत कम संसाधनों के बल पर किशन काल जी ने एक संकल्प के जरिए उठाया है और ये जिम्मा लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हर जगह एक विचित्र किस्म की खुशफहमी है, हम किसी चीज़ से टकराना नहीं चाहते। जब हम स्वयं किसी विचार के तहत जीना नहीं चाहेंगे तो किसी विचारशील पत्रिका को या विचारशील सामग्री को पढ़ना ही क्यों चाहेंगे। जब विचार के लिए तो जगह है नहीं दिमाग में, एक जुनून है, हम उपभोक्ता हैं और दुनिया भर की ज़रूरतें पैदा हो गई हैं इस पातकी और अघोरी समय में, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने में हमारी सारी ऊर्जा खर्च होती है और लगातार हमारी नैतिकता क्षरित होती है, हम लगातार विघटित होते हैं, खंडित होते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि चाहे जिस विधि से हो, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का यत्न करें, पैसे का जुगाड़ करें, नाम यश पाएं, पुरस्कार पाएं, पद प्रतिष्ठा मिले, लेकिन अपने हिस्से की जो एक नागरिक ईमानदारी है उसको पूरा करने की न तो हम चेष्टा करते हैं, न हमें वो मादा बचा है। ऐसे वक्त में इस बृहत्तर हिंदी भाषी समाज के लिए ये बहुत बड़ी मुनादी है। और ये मित्रों, आप गौर करें तो
किशन कालजई के संपादकीय का नाम मुनादी है, ये सावधान कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपको खड़ा कर रहे हैं कि भाई 61 वर्ष की जो भारतीय राजनीति है वो कहाँ पहुंची है, जिसके पीछे लाखों शहीद हुए, बड़े बड़े सपने देखे गए और आधुनिक वक्त का सबसे बड़ा व्यक्ति इस धरती ने पैदा किया गांधी के रूप में, इसने इतना बड़ा संकल्प लिया और सिर्फ श्रद्धा और पूजा की वस्तु गांधी रह गए, उनके विचार और उनके मूल्य धराशायी हो गए हैं। हम लगातार हिंसा करते हैं, लगातार असत्य बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य का फरमान देते रहते हैं गांव से लेकर संसद तक, जिन जगहों पे बड़े नैतिक मानदंडों वाले व्यक्तियों को होना चाहिए वहां आपको पता है कि उस संसद में कैसे कैसे लोग विराज रहे हैं, जिनमें से 2/3 लोगों को भारत का राष्ट्रगान मालूम नहीं है, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क नहीं करना जानते। ऐसे भयानक समय में विचार का आग्रह करना और कम पूंजी में, कम संसाधनों में, बिना किसी पूंजी और दूसरे आसरों में इतना बड़ा काम करना सचमुच बहुत बड़ी चीज है। तो यह पत्रिका जो साहित्य के विचार पक्ष को महत्व देने वाली है, अर्थनीति पर बात करने वाली है, राजनीति पर बात करने वाली है, धर्म और आध्यात्म पर बात करने वाली है, समाज और सामाजिक जीवन में जो संघर्ष हैं, जो आंदोलन हैं, उनको महत्व दे के चलने वाली है। इसका निश्चय ही भविष्य होगा अगर आप सबका आसरा और बल मिलेगा, आप सबका प्रेम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि इतने बड़े हिंदी भाषी समाज में एक ऐसी महत्वपूर्ण और संकल्प चेता पत्रिका अपनी जगह न बनाए और इससे प्रेरित होकर और भी बहुत सारी पत्रिकाएं ना शुरू हों। मैं तो ये भी कहूँगा कि ये पत्रिका तो चले और पूरे देश में अपनी जगह बनाए, पर इससे प्रेरित होकर और बहुत सारे मंचों से इस तरह की विचारशील पत्रिकाएं निकलनी चाहिए। तमाम इतना बड़ा देश है भारत और इतनी बड़ी आबादी है हिंदी की, तो तमाम इलाकों से इस तरह की विचारशील पत्रिकाओं के प्रकाशन की ज़रूरत है, ताकि कम से कम हम एक ऐसा नागरिक समाज तो बना सकें जिसमें विचार की पुनर्वापसी हो। जो विचार समाप्त हो गया है, एक नागरिक के नाते आप सोचें कि हमारे पास अपने परिवार के लिए भी एक विचार नहीं रह गया है कि हमारे बच्चे किस विचार का हों। सुदामा पांडे धूमिल के एक वाक्य से जो मोचीराम कविता में है, और उसी से मैं अपना ये वक्तव्य समाप्त करूंगा। वो कहते हैं ना, धूमिल कहते हैं और धूमिल का मोचीराम कहता है कि जिंदगी जीने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम रामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जीने के पीछे एक असल ध्येय का होना ज़रूरी है, एक तर्क होना ज़रूरी है। हम क्यों जीते हैं इस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए, और अगर हम यह विचार प्रस्तावित करते हैं अपने भीतर अपनी आत्मा से, तो जाहिर है ऐसे प्रकाशनों का, ऐसे मंचों का, ऐसे पत्रिकाओं का और ऐसे विचारों का स्वागत हमसे करते बनेगा। और जब करते बनेगा तो बहुत जल्दी और बहुत कम समय में हम एक बहुत बड़ी भारतीय दुनिया बना सकेंगे, जिसकी महती आवश्यकता है। धन्यवाद।